नमस्कार, आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उस खबर की जो कि आप स्टूडियो ही होती है। तो बात करते हैं आप स्टूडियो खबर की। तो कोरोना के समय सभी का ध्यान अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल को और पल्स रेट पर रहता है। कई लोग अपना ऑक्सीजन का स्तर भी शरीर में चेक करते रहते हैं, लेकिन शरीर में यह स्तर ठीक बना रहे इसके लिए जरूरी है कि नियमित रूप से आप प्राणायाम करें। यानी कि यह फेफड़ों को डिटॉक्स करने मजबूत करता है और आपके शरीर को मजबूती देता है। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि योगासन जो होते हैं, जितने भी योगासन होते हैं, वो आपको किस तरीके से स्वस्थ बना सकते हैं, खासकर कोरोना के वक्त में आपको कौन से ऐसे योगासन हैं जो करने चाहिए और किस आसन का क्या महत्व होता है, ये हम आज जानेंगे। तो बात अगर करें यहाँ पर, तो आपको क्या कुछ आहार लेना है, आपको योगा कैसे करना है, किस वक्त में करना है, इसमें क्या फायदा होता है, किन बीमारियों में आपको कौन सा आसन जो है लाभकारी रहेगा, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो योग से आपके जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, वो काफी बेनिफिशियल आपको लिए योग होता है। साथ ही प्राणायाम करने से आपका जो उच्च रक्तचाप है ये सामान्य रहता है। अगर आपको लगता है कि आपकी नॉस्ट्रल्स जो है वो बंद है, नाक बंद है, तो ऐसे में आप पोटली बनाकर जो है उसमें कपूर रखकर उसे सूंघ सकते हैं। खासकर एक चीज का आप ध्यान रखना है कि ऐसे वक्त में बासी या फिर सोडियम युक्त खाना जो है उसको ना खाएं। ऐसे वक्त में अगर आपको लगता है कुछ और खाना चाहिए, तो आप अपने जेब में जो है कैंडीज रख सकते हैं। आंवले की जो कैंडीज होती है वो आप रख सकते हैं, मुरब्बा रख सकते हैं, तो आप मुरब्बा या फिर आंवला खा सकते हैं। साथ ही कपालभाति जो है वो फेफड़ों में जो ब्लॉकेज होता है उसके लिए काफी लाभकारी होता है। भ्रामरी शरीर में जो है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को लाता है। साथ ही भ्रामरी से जो है आपका गला जो है काफी खुल जाता है, तो आपको भ्रामरी करनी चाहिए। और आपके मेंटल स्ट्रेस को भी जो है भ्रामरी कम करता है। तो इन सभी चर्चाओं में हम अगर बात कर ले यहाँ पर कि कुछ और आसनों की, तो आप अगर अनुलोम विलोम करते हैं तो ये भी आपके लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि इससे आपके जो नॉस्ट्रल्स हैं खुल जाते हैं, सांस जो है वो सही आती है। और साथ ही भुजंग आसन जो है वो भी आपके लिए अस्थमा में बहुत लाभकारी होता है। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ योगाचार्य ममता पवन गुरु जुड़ चुकी हैं, साथ ही हमारे साथ डॉक्टर विनायक जुड़ चुके हैं। तो आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। पहले ममता जी आपके पास आते हैं, आज का मुद्दा जो है वो योगासन है। तो आज अगर बात करी जाए कोरोना काल में योगासन की, तो योगासन से क्या कुछ फायदे होते हैं और ऐसे में फिलहाल की स्थिति में योग करना कितना जरूरी है? ममता जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हमारा संपर्क टूट चुका है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अब तक विनायक जी आपके पास में आती है। डॉक्टर विनायक, अगर यहाँ पर बात कर ली जाए योगासन की इस वक्त में, यानी कोरोना काल में, तो शरीर को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज या फिर योगा कितना जरूरी है? इस काल में, कोरोना काल में, जब हर आदमी घर के अंदर है और उपवास कर रहा है, उस दौरान इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। योग की योग करने से शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है, मानसिक शांति भी होती है। तो रेगुलर योगा करना जरूरी है इस दौरान। जी, हमारे साथ ममता जी भी जुड़ चुकी हैं। ममता जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कोरोना काल में जो लोग योगा करते हैं या फिर जो योगा नहीं करते, उनके लिए कितना जरूरी है योगा करना और इससे क्या कुछ लाभ इस वक्त में हमें मिलता है? बिल्कुल, योग से हमारा जो श्वास प्रश्वास है वो सही प्रक्रिया में हो पाता है। और बॉडी, जब हम कोई भी आसन का अभ्यास कर रहे हैं, तो जो हमारी श्वास और प्रश्वास है वो उस आसन के साथ में होती है। जब उस आसन के साथ में हम श्वास ले रहे हैं और उस आसन का अभ्यास हम कर रहे हैं, तो हमारा शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, लंग्स पूरे एक्सपेंड होते हैं, जिससे मोर ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है और एक एक छोटी छोटी सेल्स तक पूरे न्यूट्रिएंट्स विद ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है और इम्प्यूरिटीज को क्लियर करके इंटरनल हेल्थ को मेंटेन करता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। तो जब लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और हमारी बॉडी को पूरी मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाती है, तो हमारा इम्यून स्ट्रांग होता है। जब हमारा इम्यून स्ट्रांग होगा, तो वो कोरोना हो या कोई भी वायरस हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, वो बॉडी कैच नहीं करती। और इनकेस कैच मान लीजिए हो भी जाता है, तो बॉडी को उतना नुकसान नहीं होता, ना ही सीरियस कंडीशन पर पहुंचते हैं, बहुत थोड़े से में होकर के वो चीज क्रॉस हो जाती है। तो बहुत बेनिफिशियल है योगाभ्यास रूटीन में किया जाए। दूसरा ये बोलना चाहूंगी मैं कि जब अपन घर में योगाभ्यास कर रहे हैं, तो उसमें हमको श्वास प्रश्वास सही है या नहीं है नहीं पता चलता। कोशिश करें आप सही गाइडलाइंस को फॉलो करके और श्वास प्रश्वास सही तरीके से लें, आसन और प्राणायाम का अभ्यास सही तरीके से करें, जिससे कि हमको पूरा लाभ प्राप्त हो सके। क्वांटिटी पर ना जाकर के क्वालिटी को मेंटेन करें,
कम करें लेकिन सही करें और लाभ पूरा लें। जी डॉक्टर विनायक आपके पास आते हैं, अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस वक्त में एक्सरसाइज करने से जो दिक्कतें होती है, कुछ लोग जो होते हैं जिम जाते हैं और या फिर एक्सरसाइज करते हैं और बीच में उसको छोड़ देते हैं, तो ऐसे लोगों के बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और अगर करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। हर आदमी को रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आप जिम जा रहे हैं और जिम में जिस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको एकदम से छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह की एक्सरसाइज को शरीर अडॉप्ट कर लेता है और अचानक आप छोड़ देते हैं तो उसके शरीर पर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज अपने आप में बहुत जरूरी है। और एक्सरसाइज के साथ में जब आप आज की तारीख में जैसे जिम नहीं जा रहे हैं लेकिन इसके पहले जिम जाकर पर्टिकुलर किसी चीज की आप ट्रेनिंग ले रहे थे वो सडनली बंद हो गई है, तो अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो सबसे पहले डॉक्टर की सलाह पर ही आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, नहीं तो आप जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करके अच्छे होने की जगह बीमार भी हो। जी ममता जी आपके पास आते हैं, अगर बात यहाँ पर कर लें कुछ अलग अलग आसनों की, तो फेफड़ों के लिए कौन कौन से आसन अच्छे होते हैं, कौन कौन से आसन लाभकारी होते हैं, साथ ही योगा को किस समय पर करना चाहिए, सुबह शाम, क्योंकि लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि अगर सुबह जल्दी ऑफिस जाना है या फिर सुबह जल्दी कोई काम है या लेट उठते हैं जो लोग, तो वो लोग सोचते हैं कि हम योगा क्यों करें, हम तो मतलब हमारे स्केड्यूल में ही नहीं है सुबह जल्दी उठना, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, किस समय पर कर सकते हैं, खासकर माइंड रिलैक्स करने के लिए कौन से योगा आसन अच्छे रहते हैं। बेसिकली तो जो आपने टाइम की बात करी है उसमें ये है कि अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो योगाभ्यास इवनिंग में भी किया जा सकता है। कंडीशन ये है कि आपको 3 घंटे पहले आपका लंच हो चुका होना चाहिए, 3 से 3:30 घंटे पहले जी। तो आप इवनिंग में भी कर सकते हैं, चाय या बिस्किट खाकर अगर आप है तो आधे घंटे बाद तो भी योग कर सकते हैं, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। मॉर्निंग में टाइम नहीं आप इवनिंग में करिए, लेकिन योगासन जरूर करिए, बॉडी को 1 घंटे का समय आप जरूर दीजिए। दूसरा है कि हमको कौन से आसन करना चाहिए, तो देखिए इसमें भुजंग आसन है, हमारे प्राणायाम पूरे हैं क्योंकि प्राणायाम पूरी ब्रीदिंग के साथ किया जाता है, श्वास प्रश्वास बहुत उसमें मायने रखती है, ईड़ा पिंगड़ा नाड़ी बहुत मायने रखती है, पूरक रेचक कुंभक बहुत मायने रखता है। इन तीनों का अभ्यास अगर प्रॉपर होता है प्राणायाम में तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ के हमारा इम्यून स्ट्रांग होता है, एक तो प्राणायाम। फिर अब हमारे पास आते हैं आसन, तो जब हम किसी आसन का अभ्यास कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल भुजंगासन है, योग मुद्रा है, मंडूक आसन है, मार्जरी आसन है, भुजंगासन में 6-7 उसके स्टेप्स हैं, उनको हम कंप्लीट करते हैं, प्लस मैं बोलूंगी सूर्य नमस्कार, क्योंकि सूर्य नमस्कार जो कंप्लीट 12 आसन का एक पैकेज है तो उसमें पूरी स्ट्रेचिंग भी है और पूरी ब्रीदिंग भी है, लंग्स पूरे एक्सपेंड हो रहे हैं, हार्ट को पूरा हमारे बेनिफिट मिल रहा है, हार्ट की मसल्स पूरी फ्लेक्सिबल हो रही हैं और ऑल ओवर द बॉडी ब्रेन टू टो पूरा सूर्य नमस्कार पूरा हमको फायदा देता है। तो ये सारे अगर हम इतना अभ्यास भी कर लेते हैं 3-3, 4-4 बार तो भी हमको पूरी लाभ प्राप्त होगा, हमारे लंग्स पूरे एक्सपेंड होंगे और हम बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे और अपने आप को बचा पाएंगे। जी तो यहाँ पे विस्तार से आसनों के बारे में जानेंगे, पहले डॉक्टर विनायक आपके पास आ जाते हैं, अगर यहाँ पर बात कर ली जाए अब कुछ एलर्जीज की या फिर कोई कुछ खान पान की चीजों की, तो एक्सरसाइज करते वक्त कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं डाइट फूड खाना शुरू कर देते हैं, कई सारी चीजें खाना शुरू कर देते हैं, और ऐसे में कुछ लोग होते हैं जो इन सब चीजों को फॉलो नहीं करते, वो लोग नॉर्मल जो उनका डेली खाना होता है वही खाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या सलाह देंगे कि मतलब क्या चीजों ने खानी चाहिए, क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और खासकर जो एलर्जीज होती है इनके बारे में पता कैसे चलता है लोगों को कि मुझे इससे एलर्जी है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें एलर्जी किस चीज से है, वो उसे खाते हैं और कुछ ना कुछ इन्फेक्शन या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत उन्हें होती रहती है। एलर्जी तो देखा जाए तो क्रॉनिक एलर्जीज होती है जो लोगों को जनरली तो पता होती है, क्योंकि बहुत से एलर्जी एक दिन में तो होती नहीं है, किसी पर्टिकुलर चीज से आपको एलर्जी है तो क्रॉनिक होती है, तो पहले से शायद पता भी होता होगा, तो एलर्जी का तो ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि एलर्जी बहुत डेंजरस होती है। अगर एक्सरसाइज करते समय सांस लेने में दिक्कत हो जाए एलर्जी के कारण तो गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा अगर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि एकदम खाली पेट ना करें एक्सरसाइज, डिहाइड्रेटेड नहीं हो, बीच में आपका हाइड्रेशन बहुत जरूरी है एक्सरसाइज करते टाइम, और आपके आपके कई जोड़ों में कोई दर्द ना हो, कई जोड़ों में कोई क्रॉनिक आर्थराइटिस जैसी चीजें ना हो, इन सब का ध्यान रखते हुए मेडिकली आप अगर फिट है तभी एक्सरसाइज करें। जी
ममता जी आपके पास आते हैं, अगर यहाँ पर अब अलग अलग कुछ बीमारियों की बात कर ली जाए, जैसे कि जोड़ों का दर्द जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, गर्दन में पेन होता है, अगर आज की ऑफिस लाइफ देखें हम लोगों की तो, और अभी फिलहाल वर्क फ्रॉम होम जारी है, तो ऐसे में टेबल पे बैठे बैठे, कुर्सी बैठे बैठे नेक पेन करता है लोगों का, यहाँ पर जो घुटनों में दर्द होने लगता है, हाथों में दर्द होने लगता है, तो ऐसी चीजों के लिए कौन सा आसन जो है वो लाभकारी रहता है, और खासकर ऐसे लोगों के लिए आसन करना कितना जरूरी होता है? बहुत आवश्यक है, क्योंकि सिटिंग से पूरा जो आपके ज्वाइंट्स है वो जाम हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट और सिंपल है पवन मुक्तासन सीरीज नंबर 1। अगर हम इसका अभ्यास पूरे सीक्वेंस में कर लेते हैं, बहुत 5 से 7 मिनट लगते हैं, और कई इसके कुछ मूवमेंट्स ऐसे हैं कि आप ऑफिस में टेबल चेयर पर भी बैठ करके उसको कर सकते हैं, तो जिससे आपको आप लैपटॉप कंप्यूटर पे ज्यादा वर्क करते हैं, माउस ज्यादा यूज करें, तो जब आपको पोस्चर रॉन्ग हो रहा है तो उसका करेक्शन हो जाता है और मसल्स को मसाज मिल जाती है। जब मसल्स को मसाज मिल जाती है और पोस्चर आपका करेक्ट होने लगता है तो आपके ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने लगती हैं। और घुटने और कमर के दर्द की अगर बात करें तो ये जो हम पवन मुक्तासन सीरीज नंबर 1 भी फायदा करेगा और भुजंग आसन भी इसमें फायदा करेगा। तो यदि आप घर में थोड़ा सा भुजंग आसन का 5 से 10 बार अभ्यास कर लेंगे तो आपकी बैक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। पवन मुक्तासन सीरीज नंबर 1 अगर हम कर लेंगे तो हमारे सारे ज्वाइंट्स को मसाज मिल जाएगा, ज्वाइंट्स हमारे खुल जाएंगे, स्टिफनेस खत्म हो जाएगी। जी, तो यहाँ पर डॉक्टर विनायक आपके पास आते हैं, अगर यहाँ पर अब देखा जाए तो इस वक्त में जो है लोग कुछ भी उटपटांग खा लेते हैं घर में बनाकर भी, तो अगर घर में कोई चीज बना रहे हैं हम तो उस चीज में ध्यान किस चीज का रखेंगे? इस वक्त गर्मी भी चल रही है, इस वक्त जो है कोरोना भी चल रहा है, तो ऐसे में खाने को पौष्टिक कैसे बना लिया जाए, किस चीज को आहार में ऐड किया जाए जिससे जो खाना है वो भी पौष्टिक रहे, साथ ही जब हम कुछ कर रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें भी बेनिफिशियल रहे। बिल्कुल सही पूछा आपने, इस दौरान जबकि हम कोरोना के टाइम में घर के अंदर है जहाँ हमारी एक्टिविटी कम है, जहाँ कैलोरी इकट्ठी हो रही है, कैलोरी बर्न नहीं हो रही है, तो हमें खास तौर पे पौष्टिक चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छे किस्म के जूस पीना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स लेकर उनके जूस बनाए, एक्सरसाइज के दौरान और दिन भर भी डिहाइड्रेशन ना हो, वैसे भी गर्मी के दिन है, फ्राइड चीजें ना खाएं, सबसे बड़ी चीज है फ्राइड चीजें, और जो आप ऑनलाइन खाना बुलाते हैं वो खाना ना खाएं, आप सिंपल सब्जियां, हरी सब्जियां उनको प्रॉपर तरीके से पकाकर खाएं, और वो फ्रूट के जूस बनाते रहे, दिन भर जूस पी सकते हैं, और सादा खाना खाना जरूरी है, दही और छाछ का उपयोग ज्यादा किया जाए इस दौरान तो ज्यादा उत्तम होगा। जी ममता जी आपके पास आते हैं, अगर यहाँ पर अब बात कर ली हम कि जो फिलहाल की स्थिति है उसमें हमें अपनी इम्यूनिटी को और ज्यादा बेहतर बनाना है ताकि हम कोरोना से लड़ सकें, तो ऐसे में कौन से योगासन जो हैं जो हमें इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं, साथ ही इनका अभ्यास कितनी बार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आपका पोस्चर जो है कैसा होना चाहिए, इसके बारे में विवरण दीजिए। देखिए पोस्चर की बात अगर करें हम तो हमें बैक स्ट्रेट रखना है, और दूसरा हमको इम्यूनिटी इस समय बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम एक ऐसी चीज है आप कहीं पर भी बैठ के किसी भी तरीके से कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, इवन शाम को भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अनुलोम विलोम प्राणायाम, क्योंकि इसमें हम गहरी सांस को ले भी रहे हैं, गहरी सांस को हम बाहर छोड़ भी रहे हैं, तो अगर मोर ऑक्सीजन इनटेक हमारा बढ़ रहा है, मीन्स जब हम सांस ले रहे हैं, हेलो जी 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 जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया है ड्यूरेशन लॉन्ग होना चाहिए, मीन्स गहरी लंबी श्वास को खींचना है और गहरी लंबी श्वास को ही बाहर छोड़ना है। अनुलोम विलोम के दौरान ये होता है। अगर मान लीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम किसी को समझ में नहीं आ रहा है और सब अभी घर में है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो हम सिंपली बैठ जाए जो हमारा पूजा का स्थान हो घर में, ओम का दर्शन करते हुए, अगर ओम का दर्शन नहीं भी करना है ना करें, अपनी श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें, गहरी लंबी श्वास को पूरा आराम से देर तक भरें और गहरी लंबी श्वास को पूरा आराम से बाहर छोड़ें। सिर्फ अगर हम इतनी भी प्रक्रिया को 5 से 10 मिनट रूटीन में रोज कर लेते हैं तो भी हमारे को हमारी बॉडी को जितनी मोर ऑक्सीजन की सप्लाई की आवश्यकता है वो मिल जाती है। और कुछ अगर हमें आसन का अभ्यास कर सके तो हम आसन का भी अभ्यास कर लें, जैसे योग मुद्रा है, कहीं पर भी बैठ करके हम कर सकते हैं, तो उससे हमारी ब्रेन को भी ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर होती है और हमारे लंग्स को भी प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, डायफ्राम तक पूरी ऑक्सीजन जाती है, पहुंचती है और पूरी बॉडी सर्कुलेट होती है, जिससे ही सारी व्याधियों से जीत सकते हैं, स्पेशली हम कोरोना से जीत सकते हैं। तो श्वास प्रश्वास बहुत मायने रखता है, प्राणायाम में है कपालभाति, अनुलोम विलोम, अग्निसार, उद्यान बंद, उज्जैन।
वायु प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, इसमें से कोई भी तीन प्राणायाम आप कर लें तो बहुत उत्तम होगा। बेसिकली अनुलोम विलोम अवश्य करें, कपालभाति अवश्य करें और भ्रामरी। इसके अलावा आप चाहें तो किसी दिन चेंज करके भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। जी डॉक्टर विनायक, आपके पास आते हैं, अगर यहाँ पर आप बात कर लें हेल्थ के ऊपर, कुछ जो बुजुर्ग होते हैं इस वक्त में उनका ज्यादा ध्यान रखना होता है, तो ऐसे में अगर किसी बुजुर्ग से बोला जाए कि एक्सरसाइज कर लो तो वो नहीं मानते हैं, तो उन लोगों के लिए किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, अगर नहीं भी करनी चाहिए तो उनके लिए डेली का कहीं वॉक पे जाना या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क करना कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए आज की तारीख में जब कोरोना केसेस बहुत बढ़ रहे हैं तो वॉक पर जाने की कोई जरूरत नहीं, घर से बुजुर्ग घर के बाहर ना जाए तो बेहतर है। और अपनी उम्र को देखते हुए और प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस को देखते हुए कि उनकी उम्र के साथ में उनको अगर पहले से कोई क्रॉनिक डिसीजेस है तो उनको देखते हुए उसी हिसाब से एक हल्के फुल्के व्यायाम की जरूरत है। व्यायाम के साथ में जरूरी है कि अगर उनको डॉक्टर से कोई चिकित्सीय सलाह से कोई दवाइयां ले रहे हैं तो वो दवाइयां बंद ना करें और थोड़ा सा भी कोई ऐसी एक्सरसाइज स्ट्रेनस एक्सरसाइज ना करें, जरूरत से ज्यादा अपने शरीर के हिसाब से ऐसी एक्सरसाइज ना करें कि एक्सरसाइज करने से उनका स्वास्थ्य और गिर जाए और खराब हो जाए या कोई और इमरजेंसी आ जाए। तो हल्के फुल्के स्वास्थ्य की जरूरत है, हल्के फुल्के एक्सरसाइज की जरूरत है, वो उनके स्वास्थ्य को और उनकी क्रॉनिक जो डिसीजेस है उनकी दवाइयों को देखते हुए। जी ममता जी, यहाँ पे दो सवाल मेरे आपसे रहेंगे इसमें, इस बात पर कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस वक्त में ध्यान जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर में रह रहे के भी इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। कोरोना काल में हम 2020 में देखा था कि लोग कितने चिड़चिड़ा गए थे घर में रह रहे के, और मेंटल जो स्ट्रेस होता है वो बढ़ जाता है लोगों का एक ही जगह बैठे बैठे। ऐसे में ध्यान का जो लाभ है वो कैसे होता है, कितना होता है, ध्यान करना कितना इंपॉर्टेंट है, और जो लोग नींद नहीं हो पाती, इनकी मतलब नींद नहीं आती जिन लोगों को रात को, दिन में लोग सो जाते हैं रात को फिर नींद नहीं आती, ऐसे में उनका जो माइंड है वो काफी चिड़चिड़ा हो जाता है, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि जो काढ़े बना के पीने वाली चीज अभी फिलहाल में चल रही है कि आप खूब सारे काढ़े पीजिए या फिर आप अपनी डाइट में कुछ ऐसी जो जड़ी बूटियां हैं उनको ऐड कीजिए, तो इससे भी लोग बड़े परेशान हैं, तो इसमें कौन कौन सी चीजें अच्छी हो सकती है, बेनिफिशियल हो सकती है, मतलब टेस्टी भी हम चीजों को बना सकते हैं, इसके बारे में जरा विवरण दीजिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है नींद नहीं आ रही है और लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि भय डर बहुत बैठ रहा है सब में, तो एक तो हमें डर को खत्म करना है, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करने के लिए हमको ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करना है, इससे हमको नींद भी अच्छी आएगी। जैसे आपने बोला रात को नींद नहीं आ पा रही है लोगों को, और कहीं ना कहीं एक टेंशन और एक दिमाग पे प्रेशर बना ही हुआ है लगातार सभी के ऊपर, तो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास अगर हम सोने से पूर्व 20 से 30 बार कर लेते हैं तो एक तो हमारी नींद की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और जो हमको मेंटल भी हम स्ट्रांग होने के लिए तैयार हो जाएंगे, और साथ ही हमको ध्यान करना है। अब ध्यान घर में बैठ करके कैसे करना है, तो एक पूजा का स्थान सभी के घरों में होता है, या नहीं भी है तो कोई एक बालकनी में अच्छी जहाँ पे हवादार स्थान हो वहां पर एक आसन लेकर के या कोई दरी कंबल या कारपेट लेकर के बैठ जाए, आंखें बंद करके पूर्ण तरह जिस ईश्वर को मानते हो, जिस भी ईश्वर की आराधना करते हो, अंतर मन में उनका ध्यान करना है, उनका आह्वान करना है, उनके मंत्र का जाप करना है, और वो भी हम कुछ नहीं कर सकते तो हम अपनी श्वास और प्रश्वास पर ही अपने ध्यान को केंद्रित कर दें और अपनी आती हुई सांसों को गिनते जाएं। हर बार जितनी बार हम सांस ले रहे हैं लंबी गहरी, उतनी बार हम अगर सांसों को गिनते जाएंगे और हमें समय का पता ही नहीं चलेगा और हम अपनी सांस में लीन हो जाएंगे, तो इसमें हमें दो तरीके से लाभ होगा, एक तो श्वास प्रश्वास का भी होगा और हम ध्यान भी कर लेंगे। दूसरा ये कि ओंकार ध्यान आप कर सकते हैं, गहरी लंबी सांस लेते हुए हमारा जो आज्ञा चक्र है उस पर चमकते हुए ओम का दर्शन करते हुए यदि हम ओंकार प्राणायाम और ओंकार ध्यान का अभ्यास करते हैं तो भी हमारा चिड़चिड़ापन भी खत्म होगा, हमारे ऊपर जो मेंटल प्रेशर इस समय है, टेंशन हो रहा है, उस सबसे हम रिलैक्स हो जाएंगे, वो हम पर टेंशन मेंटल प्रेशर डिप्रेशन हावी नहीं हो पाएगा, बल्कि हम उस परिस्थिति को फेस करने के लिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार करने में हमको मददगार होगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें 5 से 10 मिनट अगर हम डेली रूटीन में कर लेते हैं तो हम ये सारी समस्याओं से आराम से निजात पा सकते हैं घर में बैठे स्वयं करके। जी तो यहाँ पे डॉक्टर विनायक अब आपके रुख कर लेते हैं, यहाँ पे अगर कोई सलाह बच्चों को देना चाहे इस वक्त में कि उनको खेलना कूदना, घर में अगर खेलना कूदना है तो कैसे खेलना है, कितना मतलब कि उन्हें कितना जरूरी है खेलना कूदना, साथ ही टीवी के सामने बैठे रहने से अच्छा है कि वो कुछ फिजिकल वर्क कर लें, तो उसके लिए क्या सलाह बच्चों को देंगे? दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि बच्चों को घर के अंदर रहना है, घर के अंदर वो मस्ती करते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन उनको टीवी और मोबाइल से दूर रखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे
दिन भर अगर टीवी मोबाइल से रहेंगे तो उनकी आंखें खराब होंगी और बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े होंगे। तो उसके उसकी उसकी बजाय घर में आपके टॉयज है, छोटी छोटी साइकिल है और इस तरह के छोटे छोटे जो खेल है उसमें बच्चों को एंगेज करना है। उसमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टीवी और मोबाइल बिल्कुल दूर कर दीजिए और ये टॉयज और साइकिलिंग घर में बैठ के इस कमरे से उस कमरे में करते रहे। उसके साथ में जरूरी है कि पेरेंट्स भी उनके साथ इन्वॉल्व हो। अगर बच्चों को अपने हाल पे छोड़ दिया जाएंगे तो वो मोबाइल टीवी की तरफ जाएंगे। और साथ में आप ये देखें कि बच्चों को किस टाइम क्या खिलाना है, उनकी मर्जी के हिसाब से। ऐसे नहीं दिन भर बैठ के चिप्स ही खा रहे हैं, वो डोनट्स ही खा रहे हैं, पेस्ट्री खा रहे हैं, इस तरह के पेरेंट्स को विजिलेंट रहना पड़ेगा। बच्चों के साथ फुल्ली इन्वॉल्व होना होगा और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से उन्हें दूर करना होगा। जी तो ममता जी, ये बात यहाँ पर अगर कर ली जाए कि योगा का महत्व लोग समझते नहीं है, योग जो है वो लोग भूलते जा रहे हैं। आजकल लोग जिम का रुख कर लेते हैं, घर में ही एक्सरसाइज कर लेते हैं, दौड़ लगाने चले जाते हैं, लेकिन योगा जो है उससे बड़ा कतराते हैं। मतलब ऐसी थिंकिंग लोगों के दिमाग में इस बदलने के लिए क्या सलाह देंगे लोगों को? देखिए ये तो क्या होता है, डिपेंड करता है कि आपको एटमॉस्फेयर कैसा मिल रहा है, आपका क्राइटेरिया क्या है। लगता है कि हमारे सब फ्रेंड्स जिम जा रहे हैं तो हम भी जिम चले जाएं, आजकल ये ट्रेंड हो गया है और लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही गर्व फील करते हैं कि हम जिम जा रहे हैं, हम एरोबिक्स कर रहे हैं। जबकि अगर वहीं पर आप योग करते हैं तो मैं तो फुल गारंटी के संग में कह सकती हूँ, एक चैलेंज के रूप में भी कह सकती हूँ कि योग इज बेटर देन अदर एक्सरसाइज एंड अदर जो भी आप म्यूजिक और इस पर आप डांस कर रहे हैं, जुम्बा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, योग सबसे डिफरेंट है, सबसे ऊपर है। अगर आप योग करते हैं, मैं बोलती हूँ अगर किसी छोटे से बच्चे को, 5 साल के बच्चे से अगर हम योगाभ्यास शुरू करवा दें तो हम समझ सकते हैं कि उसका फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। क्योंकि आज ये जो बच्चों में पेशेंस नहीं है, बहुत इरिटेट जल्दी हो जाते हैं, हाइपर उनको गुस्सा इतना ज्यादा आता है कि काउंटर अटैक कर देते हैं, वो बिल्कुल इतना तेज गुस्सा आता है, इतनी सी भी उनकी बात को अगर अपन ओवरलुक कर दें तो वो आप पर ही हावी हो जाते हैं, पेशेंस तो बिल्कुल खत्म हो गए, बात करने का तरीका प्रॉपर रहा ही नहीं क्योंकि उनके पास पेशेंस ही नहीं है। तो ये सारी चीजें योग हमें सिखाता है, संस्कार योग हमें सिखाता है, क्रोध पर नियंत्रण योग हमें सिखाता है, इंद्रियों पर नियंत्रण योग हमें सिखाता है, हम अपनी मेंटल कंडीशन को कहां पर कैसे यूज करें योग हमें सिखाता है, कि हम अपनी क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करें योग हमें सिखाता है, कि हम अपनी जो हमारा उद्देश्य है जीवन का उसको हम किन ऊंचाइयों तक ले जाएं। योग यहाँ पर हर जगह हमको हमारी लाइफ में, हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे को मेंटल कंडीशन पे, मानसिक स्वास्थ्य पे पूरा फायदा देता है, पूरा हमको प्लस में लेकर के जाता है और शरीर भी सुडौल और सुंदर और काया निरोगी बनती है, साथ ही सौंदर्य वो पूरा निखर के आता है। बोलते हैं ना मुख की जो क्रांति है, कांति जो है, जो हमारी सुंदरता है वो हमारे मन से बनती है। आपका मन, आपके विचार जितने सुंदर होंगे उतने ही भाव आपके चेहरे पर सुंदर आएंगे, उतना ही प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर उतना ही प्रभाव अच्छा पड़ेगा। एक पर्सनालिटी होती है कि पर्सनालिटी किसी भी रूम में एंटर होती है तो वो रूम में एंटर होते ही वो पर्सनालिटी पर नजर जाती है, वो योग करता है, वो कॉन्फिडेंस योग लेके आता है, वो विल पावर योग से डेवलप होती है, वो ही फाइटिंग की हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी योग से ही डेवलप होती है। तो योग की तो तुलना हम किसी से कर ही नहीं सकते। यदि ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो एक ना एक दिन तब समझ में आता है जब हम सब जगह घूम करके आते हैं और फिर हमें लगता है कहीं पर हमें कुछ नहीं मिल रहा, तब फिर वो व्यक्ति योग की शरण में जब एक बार आता है तो वो कभी भी योग को छोड़ करके दूसरी जगह जा ही नहीं सकता। जी तो ममता पवन गुरु जी और डॉक्टर विनायक, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में आ जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमने आज बात की कि किस तरीके से योग आसन इस वक्त में यानी कि कोरोना काल में आपके लिए लाभकारी हो सकता है और अगर आप योग करना शुरू करते हैं तो आपके जो लंग्स हैं, आपकी जो बॉडी है काफी फिट हो जाती है, खासकर आपका डाइजेशन जो है वो काफी सही रहता है। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखिए। फिलहाल में अगर आप मास्क नहीं पहन रहे हैं तो मास्क पहनना शुरू कीजिए और साथ ही कोविड की जितनी भी गाइडलाइन है उसका ध्यान रखिए। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मिल दीजिए इजाजत, नमस्कार।